बॉलीवुड के युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ने एक बार फिर बॉलीवुड को झकझोर दिया है। इसके पहले भी कई युवा अभिनेता और अभिनेत्रियों ने यह कदम उठाया था, दिव्या भारती से लेकर बालिका वधू की अभिनेत्री और अब सुशांत। सुशांत एक इमोशनल युवा थे, यदि आप देखें तो उनके भी दो कैरेक्टर थे, एक बॉलीवुड का कैरेक्टर तो दूसरा अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी होने का नुकसान यह है कि उनकी एक अलग दुनिया होती है जिसमें वे सपने बुनते जाते हैं, यह आपको डिप्रेशन में भी ले जाता है। बगैर किसी मनोवैज्ञानिक की सहायता से इससे निकलना कठिन कर होता है। सुशांत अपने सपनों को बुनता और पूरा करता चला गया। टीवी से फिल्मों में जाकर लगभग 12 फिल्मों में काम करने के बाद आज देश उसे एक स्टार के तौर पर जानने लगा था। माँ का देहांत 2002 में हो चुका था। पिता कई बार अपनी असफलता के किस्से भी सुनाते। आने वाले दिसंबर में सुशांत की शादी भी होने वाली थी। सुशांत के जीवन में सब कुछ था और बहुत कुछ उसे पाना था जिसके लिए वह पूरी मेहनत कर रहा था। कोरोना काल के लॉकडाउन ने बॉलीवुड को पूरी तरह से बंद कर दिया। कलाकार घरों पर ही थे, इस दौरान कई फिल्में भी अधूरी रही। उनके डिप्रेशन का कारण शायद यह भी हो सकता है क्योंकि उनकी कुछ फिल्में अधूरी थी, जिसमें राइफलमैन, इमरजेंस और 12 एपिसोड वाले सीरीज के अलावा फिल्म दिल बेचारा पूरी होकर रिलीज के लिए तैयार है, जिसमें अभिनेत्री संजना सांघी उनके साथ नजर आएंगी। लेकिन लॉकडाउन ने इसे रोक दिया। 12 एपिसोड वाले सीरीज में तो वे चाणक्य और APJ अब्दुल कलाम का किरदार निभा रहे थे। अलग अलग किरदार निभाने की हमेशा ललक लिए हुए थे सुशांत। उनकी फिल्म छिछोरे में पिता का किरदार हो या फिर काईपोचे, सभी में उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। इस बार वे राइफलमैन में महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह का किरदार निभा रहे थे, जो 1962 के भारत चीन युद्ध पर आधारित था। ये रिश्ता क्या कहलाता है में उनके साथ काम करने वाली अंकिता लोखंडे के साथ वे लगभग 6 वर्षों तक रिलेशनशिप में रहे। बाद में उनके अलग होने की खबरें आई। अंकिता की एक बिजनेसमैन से सगाई हो गई। इसके बाद रितु चक्रवर्ती के साथ उनके नज़दीकी संबंध रहे। इसके पहले कृति सेनन के साथ भी उनका नाम जुड़ा था। बताया जाता है कि मौत के पहले रात को सुशांत ने रिया को फ़ोन किया था, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया था। पटना से मुंबई तक का सफ़र उनकी अपनी कुछ करने की चाहत लिए हुए रही। इंजीनियरिंग में स्नातक होने के बाद टीवी और फिल्मों की ओर जाने का निर्णय उनके खुद का था। खेल के दीवाने थे, धोनी का किरदार कोई भूल नहीं सकता, जैसे उन्होंने धोनी के एक एक स्टाइल को अपने अंदर समेट लिया हो। इस युवा अभिनेता के अकस्मात चले जाने से पूरा देश स्तब्ध है और कारण भी जानना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर।